नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं एस्क्रॉस पेट्रोल का एक माइलेज टेस्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो ओडोमीटर में आप देख सकते हैं गाड़ी 1294 किलोमीटर चल चुकी है और जो इसकी ट्रिप ए है वो 70 पे है। तो अभी हम इसके अंदर पेट्रोल का जो टैंक है उसको ऊपर तक फुल करवाएंगे, फिर इसकी ट्रिप को रिसेट करेंगे और गाड़ी को लेकर चलेंगे सिटी के अंदर, फिर कुछ ड्राइव करेंगे इसको और फिर आपको मैं दिखाऊंगा दोबारा से सेम पेट्रोल पंप पे आके सेम नोजल से फुल करा के कि कितना माइलेज इस गाड़ी ने एक्चुअल में दिया है। टैंक खोला है। तो अभी दोस्तों इसके अंदर करीब 40% पेट्रोल जो है वो है। एक बार रीडिंग देख लेते हैं, पहले ऑटो कट तक भरना। तो दोस्तों देखते हैं कितना पेट्रोल इसके अंदर आता है। 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इस गाड़ी का। पहले हम इसको ऑटो कट तक भरवाएंगे, ऑटो कट के बाद मैन्युअली इसको बिल्कुल ऊपर ब्रिम तक फुल करवाएंगे और दोबारा सेम इसी पेट्रोल पंप पे लाके सेम नोजल से दोबारा टैंक फुल कराएंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट जो माइलेज वो आ सके। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि एस्क्रॉस पेट्रोल का भी एक माइलेज टेस्ट जो है वो बनाओ। तो अभी आप देख भी सकते हैं स्मार्ट हाइब्रिड ये यहाँ पे है, एक महीने पुरानी गाड़ी है, मात्र 1200 किलोमीटर चली हुई, 17-18 लीटर हो चुका है। दोस्तों यूपी गाजियाबाद के अंदर भी यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस है 95.07। आपके सिटी में पेट्रोल के प्राइस कितने हैं नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले किस किस जगह पर कितना है। अभी आप देख सकते हैं ऑटो कट हो गया है यहाँ पे 29.52 लीटर पे और अब इसको मैन्युअली फुल कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल ऊपर तक आ चुका है और एक बार मैं आपको रीडिंग भी दिखा देता हूं। अभी तो आ रहा है नहीं दोस्तों, अभी आ रहा है इसके अंदर, अभी हम और भरवा रहे हैं। बस 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 अब बिल्कुल फुल हो चुका है, थोड़ा नीचे भी गिर चुका है और पेट्रोल आया है गाड़ी के अंदर 30.41 लीटर 2891 रुपये का। कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी है और मार्केट में आपको उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप बूडमो पे जा सकते हैं। बूडमो की आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी एंड्रॉइड iOS में, वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बूडमो पे जाके आप देख सकते हैं इजीली आपकी गाड़ी का जो भी वेरिएंट है वो सेलेक्ट करके, जो उसका मॉडल है ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ऑनलाइन कोई भी अपनी गाड़ी का पार्ट्स घर पे मंगा सकते हैं। उसके बावजूद उसके अगर आपको ये भी फैसिलिटी बूडमो अवेलेबल करता है कि अगर आपकी गाड़ी का जो आपने पार्ट मंगाया है वो उस गाड़ी में फिट नहीं हो रहा है तो आप उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको बूडमो में देखने को मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप जाके चेक कीजिए बूडमो, और अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बूडमो के थ्रू। दोस्तों टैंक एकदम फुल हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंप्लीटली फुल है और मीटर की रीडिंग जैसे मैंने आपको दिखाई थी सेम एग्जैक्ट है। अब हम ट्रिप करेंगे इसकी जीरो और आप टाइम भी नोट कर सकते हैं 9:57 AM हो रखे हैं। ट्रिप ए जीरो हो चुकी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी जीरो हो चुकी है और अब हम इसको लेके चलते हैं सिटी के अंदर और आपको ड्राइव करके दिखाते हैं लाइव एस्क्रॉस पेट्रोल का माइलेज टेस्ट। बहुत लोगों को वेट था, आज इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने गाड़ी जो है वो 5.4 किलोमीटर चला दी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो चुकी है 16.1 और आप देख सकते हैं गाड़ी का एसी ऑन है और हम गाड़ी में हैं दो बंदे। 21 टेम्परेचर जो है वो बाहर का है। अच्छा एसी का टेम्परेचर जो है दोस्तों वो 21 डिग्री है। फिलहाल अभी हम इसको चला रहे हैं सिटी के अंदर, आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड में मेट्रो का यहाँ पे रैपिड ट्रेन का काम हो रखा है, अच्छा खासा रश भी यहाँ पे है। मतलब हमारी गाड़ी अभी फोर्थ गियर में मुश्किल से 200-400 मीटर के लिए लगी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में चल रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, सुबह के 10:10 यहाँ पे हो रखी है। तो देखते हैं आगे की जर्नी में कैसा कुछ माइलेज आता है, कैसा हमें ट्रैफिक मिलता है। पर आज जो ये टेस्ट है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल टेस्ट है सिटी के अंदर,
जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में लोग गाड़ियां चलाते हैं उसी हिसाब से हम भी इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पे गाड़ी चला ली है 11.9 किलोमीटर और आप MIT के अंदर माइलेज देख सकते हैं 14.9 KMPL का है, यानी कि ड्रॉप हुआ है। हम सिटी के अंदर थे और अभी भी सिटी के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा सिटी से बाहर आए हैं। कंटिन्यूसली गाड़ी का AC ऑन है और गाड़ी की जो स्पीड है वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, थर्ड फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है 40-45, क्योंकि अभी तक हमको हाईवे नहीं मिला। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेरठ बाईपास पे और मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी गाड़ी यहाँ पे हो चुकी है 17.8 KMPL, यानी कि 17.5 किलोमीटर हमने इसको सिटी के अंदर चला लिया है। अब लगभग हम इसको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हाईवे पे चलाएंगे, मेंटेन करेंगे 2000 RPM इसके और उसके बाद दोबारा सिटी के अंदर जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि गाड़ी किस किस कंडीशन में यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं। AC कंटिन्यूसली ऑन है और अभी आप स्पीड भी देख सकते हैं, 80 की स्पीड है हमारी और MID के अंदर जो माइलेज है वो 16 KMPL का है। तो जब हम 2000 RPM मेंटेन करते हैं इस क्रॉस के अंदर 1.5 पेट्रोल, तो ये गाड़ी लगभग आपकी चलती है 80 की स्पीड पे। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि 2000 RPM पे ये गाड़ी 80-85 चलती है। दोस्तों अभी हमने गाड़ी यहाँ पे चला ली है लगभग 30 किलोमीटर और MID के अंदर गाड़ी माइलेज शो कर रही है 17.7, फिफ्थ गियर में गाड़ी है, AC ऑन है कंटिन्यूसली और जो स्पीड आप देख रहे हैं हाईवे पे हम हैं 60 के आसपास है। तो कहने को तो हम हाईवे के ऊपर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईवे खाली है, भीड़ है, ट्रक है, बस है, सब चीज़ें चल रही है। तो अभी हम यू टर्न लेंगे यहाँ से और दोबारा अपनी जर्नी को आगे फॉलो करेंगे। अभी हम हाईवे के ऊपर हैं वैसे, तो देखते हैं क्या माइलेज निकल कर आएगा। अभी तक का ये हाईएस्ट इसने यहाँ पे मैक्सिमम माइलेज निकाल के दिया है MID में 17.7 का। मेन बात निकल के ये आती है कि गाड़ी का जो कर्व वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। 1.5 लीटर का तो इंजन है, रिफाइनमेंट लेवल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कर्व वेट से भी फ़र्क पड़ता है गाड़ी के। अगर सेम इसी इंजन के अंदर ब्रेजा हम चलाते हैं या स्क्रॉस चलाते हैं तो आज पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कितना फ़र्क आता है माइलेज के अंदर। तो अभी आपने जैसा कि हमने देखा यहाँ पे यू टर्न ले लिया है और हम दोबारा जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते की तरफ को बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ईयरफोन का यूज़ करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप गाड़ी 100 की स्पीड पर चलाते हैं तो इंसुलेशन किस लेवल का है गाड़ी का, मतलब कि टायर नॉइज कितनी आती है। इंजन की साउंड तो यहाँ पे नहीं आ रही है मुझे भी, और अभी आप देख भी सकते हैं कि हम कंक्रीट हाईवे पर चल रहे हैं, RCC हाईवे भी नहीं है, तो एस्क्रॉस के अंदर जो टायर नॉइज है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। अब ये पता नहीं कि इन पर्टिकुलर टायर्स पे ज़्यादा आती है या हर एक एस्क्रॉस के अंदर आती है, तो आपको यहाँ पे ईयरफोन लगा के इस बात का आइडिया होगा। अभी 10-15 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। तो अभी आपने सुना होगा कि टायर नॉइज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे एस्क्रॉस में आती है, मतलब लगता है कि हाँ 20-25% और थोड़ी कम होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये जो टायर्स हैं जिस पर्टिकुलर कंपनी के इसके अंदर टायर्स डले हुए हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे JK के इसके अंदर टायर डले हुए हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पे करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पे गाड़ी चला दी है 45.7 किलोमीटर और आप MID के अंदर माइलेज देख सकते हैं 18.2 KMPL का, यानी कि ये इसने मैक्सिमम माइलेज जो है हमें निकाल के भी दिया है। दोबारा से हम सिटी के अंदर आ चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है और आप देख सकते हैं लगातार ट्रैफिक यहाँ पे बना हुआ है। थर्ड गियर में गाड़ी चला रहे हैं हम और AC भी कंटिन्यूसली ऑन है गाड़ी का। तो मुझे ये लग रहा है कि जो ये MID में शो कर रही है उससे 2 से 3 का ये कम देगी माइलेज, लेकिन एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब हम जाके इसका दोबारा से टैंक फुल कराएंगे कि कितना लीटर पेट्रोल उसके अंदर आता है। दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट गाड़ी चला ली है 58.7 किलोमीटर, MID के अंदर माइलेज है 18.1 और AC ऑन था। अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पम्प पर, आप देख सकते हैं, और इसका अब टैंक हम फुल कराएंगे और देखेंगे कि कितना माइलेज यहाँ पे एस्क्रॉस पेट्रोल ने दिया है। और जो इसका हाइब्रिड सिस्टम था वो हमने ऑफ कर रखा था, जिनकी ये गाड़ी है आलोक भैया ये इसको ऑफ करके ही चलाते हैं। तो चलते हैं फिलहाल और आपको मैं दिखाता हूँ फिर से टैंक फुल करा के। पहले ऑटो कट तक जीरो कर दिया, जीरो ठीक है, देखते हैं दोस्तों ऑटो कट कितने पे होगा।
2.71 पे यहाँ पे ऑटो कट हो चुका है और अब इसको हम कराएंगे मैन्युअली फुल। दोस्तों आप देख सकते हैं पेट्रोल बाहर तक आ चुका है, कंप्लीट इसका टैंक फुल हो चुका है और गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल आया है वो आया है 4.44 लीटर 422 रुपए का। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है, हमने गाड़ी को चलाया है 58.7 किलोमीटर और जो इसके अंदर पेट्रोल आया है वो आया है 4.44 लीटर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माइलेज यहाँ पर कितना निकल के आया है। तो गाड़ी का माइलेज आया है 13.22 का। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी हमने कितनी चलाई है। लगभग हमारी गाड़ी 38 से 39 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट सिटी ट्रैफिक के अंदर चली है और उसके अलावा जो बचे हुए इसके किलोमीटर्स थे वो चले थे हाईवे पर। तो मतलब एक मिक्स्ड यहाँ पे ये माइलेज निकल के आया है गाड़ी का। जो इसका हाइब्रिड सिस्टम था वो हमने ऑफ कर रखा था, एसी कंटिन्यूसली ऑन था पूरी जर्नी में और हम दो बंदे बैठे हुए थे। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप एक इतनी बड़ी क्रॉसओवर लेते हैं, कर्व वेट गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है और आपको डेली सिटी के अंदर ये गाड़ी ड्राइव करनी है नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये गाड़ी आपको इतना ही माइलेज यहाँ पे निकाल के देगी। मैक्सिमम हमने इसको 100 की स्पीड तक ही चलाया था, उससे ऊपर नहीं चलाया था। तो ये गाड़ी का एक्चुअल माइलेज यहाँ पे निकल के आया है। अगर आपके कोई डाउट हैं इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं और भी अगर आपको कोई बात करनी है तो भी आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी अपनी गाड़ी का माइलेज टेस्ट या ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।